आदरणीय जितेंद्र आव्हाड जी का, आदरणीय परांजपे साहब का हमारे को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट मिल रहा है। इसके नेतृत्व में हम लोग मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी पुनः एक बार खड़ा करेगी। बहुत ही जल्दी मीरा भाईंदर के बहुत बड़े नेता राष्ट्रवादी में आते थे, देखेगा आपको अलग अलग कम से कम 10 से 15 नगर सेवक, विद्यमान नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करते हुए देखेंगे। उसी के साथ में कम से कम 20 माजी नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करते हुए देखेंगे। आपकी लड़ाई बीजेपी से होगी, आप तीनों गठबंधन करके यहाँ पे लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, किससे होगी आपकी लड़ाई? हमारी लड़ाई जो है बीजेपी के साथ होगी, हम महाविकास आघाड़ी के साथ इधर लड़ेंगे अतिवादी शक्ति को रोकने के लिए और समाज में एक दूसरे समाज में दुरावा पैदा करने के लिए, एक दूसरे प्रांत में दुरावा पैदा करने का काम बीजेपी कर रहे हैं और उसके रोकने के लिए, क्योंकि देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, देश जो है सेकुलर देश है, ये देश जो है सभी जाति पंथों को, धर्म को और प्रांत को साथ में लेके जाने वाला देश है और उसको अखंड रखने के लिए बीजेपी जैसी जातिवादी शक्ति को दूर रखने के लिए महाविकास आघाड़ी एक होना जरूरी है। और हमारा कली आदरणीय पालक मंत्री जी के नेतृत्व में कली पूरा थाने जिला का जिला अध्यक्ष लोगों की मीटिंग हुई और वो मीटिंग में सभी जिला अध्यक्ष और आदरणीय नामदार जितेंद्र आव्हाड साहब, परांजपे साहब ने ये डिसीजन लिया है कि हम महाविकास आघाड़ी बोल के लड़ेंगे। जीत पटेल और जकी पटेल हमेशा पार्टी के साथ जुड़े रहे और हमेशा पार्टी का एक कार्यकर्ता बन करके काम करते रहे, क्या आने वाले चुनाव में साजिद पटेल या जकी पटेल चुनाव लड़ेंगे क्या? हमारे को पार्टी ने मौका दिया, वो जवाबदारी हमारे ऊपर पार्टी ने दी, तो ज़रूर हम चुनाव लड़ेंगे और पार्टी की जवाबदारी जब मिलेगी तो हम चुनाव जीत के दिखाएंगे। अंकुश मलसूरे आए हैं, कामगार नेता हैं, जितेंद्र आव्हाड जी का सपोर्ट है, सारा चीज़ है, आप लोगों की एक्टिविटी क्यों नहीं दिखती है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ जरूर एक्टिविटी, जो अभी हम लोगों ने एक स्लम के आव्हाड साहब के बताने से स्लम का जो काशीमेरे का स्लम का सवाल था, हम लोगों ने 2-3 आंदोलन किया, आंदोलन के बाद में सिर्फ आंदोलन, क्योंकि अंकुश मलसूरे वर्कर लीडर होने के नाते मैं जो भी सब्जेक्ट लेता हूँ उसको हवे पे नहीं लेता हूँ जब तक उसका स्टडी नहीं है। तो हमने उनको न्याय दिलाया, म्यूनसिपल्टी की जगह म्यूनसिपल्टी को निकाल के दिया और बची कुची जगह में हम लोगों ने मीरा भाईंदर के जो स्लम को तोड़े गए थे, जो 6 महीने से तोड़े गए थे, अभी उन सभी लोगों को वापस हमने बिठाया उधर और न्याय देने का। और आने वाले दिन में हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रास्ते पे दिखेगी, हर सब्जेक्ट पे पूरा राष्ट्रपति दिखेगी, ये मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूँ। अच्छी बात। हमारे साथ साजिद पटेल जी, मैंने हमेशा आपको देखा है कि कुछ ना कुछ लोगों को जोड़ते ही रहते हैं और कभी आप डगमगाए नहीं, ये बड़ी बात है, आप हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे। आज आपके साथ अंकुश मलसूरे जी हैं, कामगार नेता हैं, जितेंद्र आव्हाड जी का पूरा सपोर्ट है, कितना मजबूत महसूस करते, क्योंकि आप तब भी थे जब नहीं था और अब भी हैं जब है। अब तब भाई आप पहले से देख रहे हैं, राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर हम लोग सत्ता के लालच में कोई काम नहीं करते, हम जनता के जो भी दुख सुख के काम है, जो भी उनके प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना चाहते हैं और वो बढ़ चढ़ के हम लोग आगे आके वो काम करते हैं। और जहाँ तक डर का बात है, हमारे ताकतवर नेता जितेंद्र आव्हाड साहब हमेशा हमारे पीछे हमारे साथ में खड़े रहे, हमारे आनंद परांजपे साहब जो हमारे समन्वयक है वो हमारे साथ खड़े रहते, आज हमारे को ताकत देने के लिए मोहन पाटिल साहब जो हमारे इधर के लीडर है, हमारे जिला अध्यक्ष अंकुश मलसूरे साहब हमारे को जभी भी ज़रूरत पड़ती है वो हमारे साथ खड़े रहते हैं, महिला अध्यक्ष है वो खड़े रहती है, मतलब हमारी पूरी एक टीम बन चुकी है जो हम लोग आज हमारी संगठना बढ़ाते जा रहे हैं। आज चाहे वो बेसिक के अंदर हो, चाहे वो महिला के अंदर हो, चाहे वो युवा के अंदर हो, चाहे भी विद्यार्थी के अंदर हो, हमारी मीरा भाईंदर में संगठना बढ़ रही है और हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं और वो काम करते हुए लोग हमको देख रहे हैं, तभी उनका भरोसा हमारे पे वापस कायम होते जा रहा है और लोग हमारे साथ दूसरे पार्टी छोड़ के हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वो युवा के अंदर जुड़े, चाहे वो महिलाओं में जुड़े के चाहे बेसिक में जुड़े, पर आज आपके माध्यम से भी लोग एक देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रवादी पार्टी मीरा भाईंदर के अंदर लोग जुड़ते जा रहे हैं और आने वाले 2022 के अंदर यही ताकत को लेके हम पब्लिक के सामने जाएंगे और लोगों के काम जो किए हुए और जो काम कर रहे हैं वही चीज़ में हम लोग महाविकास आघाड़ी के तहत हम लोग सत्ता में आएंगे। और हमारे वरिष्ठों का भी यही बोलना है कि हम एक साथ मिलके ही लड़ना चाहते, वो लोग ही डिसीजन लेंगे और जब महाविकास आघाड़ी होती है तो महाविकास आघाड़ी के तहत हमारे इधर मीरा भाईंदर में चुनाव होगा, लड़ा जाएगा और आने वाला महापौर महाविकास आघाड़ी का होगा, ये मैं बोलना चाहता हूँ। अच्छी बात। हमारे साथ है जकी पटेल जी। जकी पटेल जी, जितेंद्र आव्हाड जी का सपोर्ट
और कहीं ना कहीं भरपूर सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है। अंकुश बलसुरेश जी का नेतृत्व, बहुत सारे जो है एनसीपी के वो नेता जो छोड़ के चले गए थे, वरिष्ठ भी हैं उसमें, उन लोगों ने ज्वाइन किया और कहीं ना कहीं जो है अब आप लोगों का एक आंदोलन जो है अभी बहुत अच्छा देखने को मिला, जो काशी गांव के जो कुछ गरीबों का जो घर तोड़ा गया था और उसको लेकर के आप लोग कहीं ना कहीं जो है पुलिस स्टेशन में धरने पे बैठे थे, वो एक बड़ी आवाज़ थी। क्या इसी तरह की आवाज़ आप उठाते रहेंगे या फिर खाली ये एक था? पहले तो मैं हमारे मार्गदर्शन सपोर्टर हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे मार्गदर्शन आनंद ब्रांच पे उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे नेतृत्व जो कर रहे हैं अंकुश मालूसरे जी, मोहन पाटिल साहब और साजिद पटेल साहब और महिला जिला अध्यक्ष सभी टीम, सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके नेतृत्व में आज इतनी अच्छी टीम हम लोग बना रहे हैं। आज आपने जो देखा, जो 14 नंबर वार्ड में जो झोपड़पट्टी लोगों की तोड़ी गई थी, उसके सपोर्ट में, उस जनता के सपोर्ट में जिसको घर से बेरोजगार कर दिया था, जो हमने राष्ट्रवादी ने पहल करके जो आंदोलन लिया है, इससे आगे कुछ अगर जनता के साथ ऐसा अन्याय होता है या कुछ भी अन्याय होता है तो राष्ट्रवादी रोड पर आकर कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के लिए आंदोलन करेगी, चाहे हमको नगर पालिका जाना पड़े, चाहे हमको जेल जाना पड़े, चाहे हमको लोगों की समस्या हल करने के लिए कहाँ पर भी जाना पड़े, लेकिन राष्ट्रवादी उनके कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन करेगी। आंदोलन भी इसलिए करेगी क्योंकि हमारी जो जनता है उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको उनके हक की न्याय मिलना चाहिए, उनको उनके हक की रोज़ी मिलना चाहिए, उनको उनके हक की रोटी मिलना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रवादी कंधे से कंधा मिला के आगे आंदोलन करेगी, ऐसा कुछ होता है। चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो चेहरे हैं, ये चेहरे मुझे जो है काशी गाँव के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए रोड पर खड़े दिखे, लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखे, ऑफिसर्स से पुलिस स्टेशन में बैठ के धरना देते हुए दिखे, और कहीं ना कहीं इसी तरह का सपोर्ट जो है लोगों को चाहिए, तो ही लोग जो है किसी पार्टी से जुड़ेंगे या किसी पार्टी को समर्थन देंगे। जैसा कि अगर आपको इधर दिखाऊं मैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज कुछ लोग जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, एनसीपी से जुड़े हैं, और एनसीपी का कहीं ना कहीं जनाधार अब मीरा भाईंदर में बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एनसीपी कहीं ना कहीं इस शहर के लोगों का भला करेगी। थैंक यू सो मच।